हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, भारतीय पासपोर्ट धारक के लिए इतना इम्पोर्टेंट खबर दोस्तों पहली बार है दोस्तों, क्योंकि विदाउट पासपोर्ट को आप अगर यूएई दुबई में रह रहे हो दोस्तों, तो कैसे अपने घर जा सकते हो और क्या इसका सिंपल उपाय है, आपके साथ अगर कभी ये मुसीबत आ जाए तो इसका फेस कैसे कर सकते हो, प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो अपडेट ये है दोस्तों, आपको पता है कि 90% अभी भी कंपनी जो है दोस्तों यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, वो वर्कर का पासपोर्ट रखती है। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मान लें किसी भी कंपनी में आकर फंस गए हो और आपको ऐसे ही जाना है, विदाउट पासपोर्ट चले जाना, क्योंकि आपको पासपोर्ट तो चाहिए चाहिए किसी भी कंट्री में, आपको इधर से उधर जाने के लिए विदाउट पासपोर्ट आप नहीं जा सकते हो। पासपोर्ट, विदाउट पासपोर्ट अगर जाओगे तो आप पकड़े जाओगे, फिर आपको घर नहीं जेल जाना पड़ेगा। बिना पासपोर्ट अगर जाओगे तो आपको घर नहीं सीधा जेल जाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई अगर मान लिया हमारा पासपोर्ट कंपनी नहीं दे रही है या पासपोर्ट हमारा भुला गया, खो गया, कुछ हो गया, तो मैं बिना पासपोर्ट को यूएई से दोस्तों, दुबई से, मैं इंडिया कैसे जा सकता हूँ? तो मात्र एक तरीका है दोस्तों जो आप जा सकते हो। वो कैसे? देखिए, मान लिया अगर आपका पासपोर्ट भूल गया है, खो गया है, तो यहाँ पे नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है, आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इंडिया के जैसा पुलिस नहीं है कि आपको सीधा मारने लगेगा। आप कोई भी कंप्लेन लिखवाने जाओ तो वहाँ तो पहले मार होता है और आपको अच्छी तरीके से बात नहीं करेंगे वो लोग, अगर आप गरीब आदमी हो तो। बड़े आदमी हो तो वो लोग तो सलूट मारता है, ठीक है, बट गरीब आदमी का कोई वो लोग भाव नहीं देता है। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है, गरीब अमीर सारे लोग सेम है। तो अगर आप कोई भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर, जो आपका नज़दीक है जहाँ पर आप रहते हो, वहाँ पर जाकर पहले आपको कंप्लेन लिखवानी पड़ेगी। आपको सीधा ये बोलना है कि मेरा पासपोर्ट खो गया है, भुला गया है, ठीक है। वो लोग ज़्यादा पूछताछ ये नहीं बोलेगा कहाँ भुला गया, कैसे भुला गया, कैसे रखे थे, वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में पूछते हैं, बट यहाँ पे इतना इंक्वायरी नहीं, बस आपका इंक्वायरी लिख देंगे और आपको एक पेपर दे देंगे और बोलेंगे कि गो टू एम्बेसी, मतलब आपका जो एम्बेसी है वहाँ चले जाओ। तो वो पुलिस वाला पेपर लेकर दोस्तों अपने एम्बेसी में जाना, इंडियन एम्बेसी में। यहाँ पे आपको पता है, किसी से भी पूछोगे या मोबाइल में लोकेशन टाइप करोगे तो आपको पता चल जाएगा इंडियन एम्बेसी कहाँ पे है। तो वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों वो पेपर दिखाओगे और बोलोगे कि मुझे आउटपास चाहिए, मुझे जाना है, मेरा पासपोर्ट खो गया। वो लोग सादा पासपोर्ट, ठीक है, पासपोर्ट के बगैर जा ही नहीं सकते हो दोस्तों, सादा पासपोर्ट आपको एक दिन के लिए टाइमलाइन देता है, इतना दिन के अंदर आपको ट्रैवल करना है। तो दोस्तों वो सादा पासपोर्ट लेकर जाओ, आप टिकट कराओ, उसके बाद अंदर ये एयरपोर्ट के अंदर जाओ और आपको अपना घर वापस जा सकते हो। लेकिन दोस्तों जो मैं फार्मूला बताया वही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। दूसरा तरीका अख्तियार करोगे तो जैसा मैं बताया, जाना है घर और चले जाओगे जेल। बाकी जैसा मेरे पास जो जानकारी था, मैं सोचा आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया ताकि बहुत सारे भाइयों का जो प्रॉब्लम था उसका सलूशन निकल सके। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी सवाल है आप लिखें। जब तक, जय हिंद।